पूरे देश में आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1999 में देश के वीर जवानों ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल किया था और आज कारगिल युद्ध को 23 साल बीत चुके हैं। इसी मौके पर बोकारो में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस दौरान चास के भारत माता प्रतिमा से सेक्टर 4 स्थित गांधी प्रतिमा तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के बाद सिटी पार्क स्थित शहीद स्मारक में सभी पूर्व सैनिक, जन प्रतिनिधि, अधिकारी और एनसीसी कैडेट्स ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कारगिल विजय दिवस में जवानों के साहस की चर्चा भी की। वहीं पूर्व सैनिक संजय सिंह ने कहा कि आज हमें गर्व है कि हमारे सैनिकों ने बलिदान देकर भारत माता की रक्षा की थी। उन माताओं और बहनों का भी देश ऋणी है जिन्होंने वीर सपूतों को देश की सेवा के लिए भेजा। जो हमारे जवान शहीद हुए थे उन्हीं की स्मृति में हम लोग आज ये दिवस मनाते हैं और देश के प्रति जो उन्होंने कुर्बानी दी है उसके लिए, उनका सम्मान करने के लिए इस दिवस को हम लोग पूरे उल्लास के साथ में, पूरे देशभक्त से ओत प्रोत होकर हम लोगों ने यहाँ मनाने का प्रयास किया है। बहुत से लोग आए हुए हैं, बहुत से गणमान्य व्यक्ति भी हैं जो हमारे साथ में हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं और ये एक अच्छा संदेश जाएगा हमारे देश के लिए और हमारे नगरवासियों के लिए कि हम लोग भी देश के प्रति कुछ कार्य कर रहे हैं, देश के प्रति अपनी देशभक्ति को उजागर कर रहे हैं और लोगों को भी जानना चाहिए कि देश के प्रति उनका सम्मान होना चाहिए। जो नए बच्चे हैं उनको भी दे, जैसे जो भी ड्राइव चले हुए हैं आजकल देश में, तो हम लोगों को देश का सम्मान करना चाहिए, पूर्व सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, जो शहीद हुए हैं, जो देश के लिए कुर्बान हुए हैं उनके सम्मान में हम लोगों ने यह प्रोग्राम आयोजित किया। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।